कश्मीर में जो बीजेपी सरकार ने मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त दी है वो फ़कत इसलिए दिए कि वहाँ पे सुन्नी शिया झगड़ा हो जाए। इसलिए कि मैं 2 रोज़ पहले कश्मीर में था, वहाँ सब बड़े बड़े उलमा से मिला, तो सबका ये कहना है कि जब हमारे वहाँ पे जुलूस निकलता है तो मुहर्रम के जुलूस में बहुत से लोग बीच में घुस जाते हैं और ख़ुद हमारे शिया भी और ख़ुद मैं भी, हमें भी आज़ादी के नारे लगाना पड़ते हैं। और जब आज़ादी के नारे लगते हैं तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, फिर लोग ये पथराव करते हैं और झगड़ा होता ही होता है। लिहाजा बीजेपी ने इस वजह से कश्मीर के अंदर जुलूस की इजाज़त दी है ताकि सुन्नी शिया भी झगड़ा हो और हिंदू मुसलमान भी झगड़ा हो और गवर्नमेंट के साथ भी झगड़ा हो, उसके अलावा उनकी कोई मंशा नहीं है। किस तरीके से लखनऊ में उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन जो है उसके बारे में? देखिए, यहाँ की तो गाइडलाइन मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब जो चंद जो है उलमा जो है वो लीडर बन रहे हैं, अगर इन्होंने अब की मुहर्रम रोकने की साजिश की तो उनकी लीडरशिप भी वो चली जाएगी और जो कुछ मंत्री और जो कुछ बड़े हैं वो बन रहे हैं उनका वो बड़ापन भी हाथ से अब वो निकल जाएगा और कौम के हाथ से वो सब वहाँ वो जूते खाएंगे और कौम अब वो निकल के रहेगी, न वो मौलवियों की आबो मानेगी न वो मंत्रियों की मानेगी। इसलिए कि वो एक साल से मुसलसल देख रहे हैं कि हर जगह भीड़ भड़कम हो रही है, जलसे हो रहे हैं, मुहर्रम ही के अंदर आप ये क्यों उबिक जाते हैं, तो कौम बेदार हो गई है कि हम तुम्हारी दुनिया के लिए हम अपना मजहब हम अपना इस्लाम बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे। देखिए, जब मुहर्रम शुरू हो जाएगा तो पब्लिक खुद ब खुद वो निकल पड़ेगी, अब उसके लिए कोई कायदा कानून कोई वो नहीं है। जैसे बहुत से उलमा हैं जो इस ताक में है वो लगे हुए कि हमें थोड़े मौका मिले और हम थोड़े से लोगों को लेकर हम आगे बढ़ें, और अब वो वक्त आ गया है कि सारे छोटे मोटे जो मौलवी हजरात हैं वो सब अब ये मोमिनीन को लेकर वो निकल पड़ेंगे, काजियों को लेकर वो निकल पड़ेंगे और जुलूस और आज़ादारी होगी और जम के होगी। जी।